कलर टोन कौन सा था जिससे प्यार हो गया? जन से यही सुनते थे। कलर टोन कौन सा था भाभी जी? लगावे लू जब लिपस्टिक खिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू। प्यार कैसे हुआ? प्यार ऐसा हुआ कि रुमाल हमारी दुकान पे बनवाने आई थी और रुमाल बनवाने के चक्कर में हम एक कलर टोन सेट किए थे अपने मोबाइल पे, ये हमारे पे फ़ोन की, वही कलर टोन बजा तो गाना सुनते सुनते ये गाना सुनने लगी हमारे मोबाइल पे, गाना सुनने लगी। हम कई बार उनको डांटे कि क्यों इतना फ़ोन कर रही हो, कहने लगे भाई साहब गाना तो सुनने दीजिए। और जब गाना रोज़ रोज़ 20-25 बार एक दिन में सुनती थी तो हमें गुस्सा आता था तो हम इनको एक बार इनको डांटे कि आपको मतलब कि इतना भी सेंस नहीं है कि किसी को परेशान किया जाता है इतना फ़ोन करके। तो कहने लगे भाई साहब जो हमें डांटते हो तो प्यार है। हमारी शादी हो चुकी थी, हमारी शादी होने के बाद इनको हमसे प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने की वजह से हमें इनसे शादी करना पड़ा। क्योंकि ये कहने लगी कि अगर आप शादी, हम इनसे बताया थी कि हमारी शादी हो चुका है, ये कहने लगी कोई दिक्कत नहीं शादी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी करेंगे तो आप इससे करेंगे। नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद अयोध्या में। जैसे कि दोस्तों बता दें, अयोध्या में एक अजीत पेंटर करके हैं जो कि हमारे साथ में पास में बैठे हुए हैं। इनका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एक आर्टिस्ट हैं, चित्र बनाते हैं, काफ़ी अच्छा और लाजवाब चित्र बनाते हैं। किसी को देखकर उसकी तस्वीरों को 10 से 15 20 मिनट में बना देते हैं और हूबहू तस्वीर बनाते हैं, जैसे कि लगता है कि फ़ोटो कैमरे से खींच कर उसके बाद प्रिंट किया गया है। उसी तरीके का पेंटिंग बनाते हैं हमारे अजीत भैया जी जो कि साथ में हैं। और इनका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दो शादियाँ किए हैं। शादी करने की वजह क्या रही इन्हीं से जानेंगे और आखिरकार दो शादी करने का राज क्या है। तो सबसे पहले इन्हें अजीत भैया से जानेंगे। अजीत भैया सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चश्मा लगा के सर। सर इधर भाभी जी बोले चश्मा लगा के स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, भैया के चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदर है और मेरा नाम है अजीत पेंटर जी। जी तो अजीत भैया मैं जानना चाहता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपका चल रहा है, तो ये आखिरकार क्या वजह रही जिसके कारण आप दो शादी करना पड़ा और आप काफ़ी खुश मिजाज भी दिखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है लोग एक ही बीवियों में परेशान रहते हैं लेकिन आप हमेशा खुश रहते हैं दोनों बीवियों के साथ में। ये समझ लीजिए भाई साहब, गलती से तो हम आ गए हैं मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पर गलती से आ गए हैं समझ लीजिए कि दोनों बीबियों के रिक्वेस्ट करने की वजह से हम चैनल बनाए। चैनल बनाने के बाद समझ लीजिए कि दो या तीन महीने में हम सब लोग समझ लीजिए इतना वायरल हो गए कि हमारे घर मीडिया वाले आकर पहुँच गए। और यही हम सोच रहे थे कि हम इनको मना कर रहे थे कि अगर चैनल बनाएंगे तो कल का मीडिया वाले ज़रूर आएंगे और वैसा ही हुआ भाई साहब। हाँ, गलती से सोशल मीडिया पे आने की क्या वजह रही? गलती से मतलब ये है कि हम पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग अभी भी हमारी चल रही है और समझ लिए कि ये दोनों लोग हमें रिक्वेस्ट करने, इतना रिक्वेस्ट करने लगी कि चैनल बना लीजिए और चैनल बनाएंगे तो उस पर पैसा मिलता। हम कहे कि चैनल पहले से हमें पता है कि चैनल मतलब यूट्यूब पर पैसा मिलता है काम करने से। अच्छा, पैसा भी देता है यूट्यूब? अरे भाई साहब पैसा नहीं देता है यूट्यूब आजकल समझ लीजिए कि। चलिए आज हमको भी पता चल गया यूट्यूब पैसा देता है। हाँ, जैसे मतलब ये कहने लगी कि यूट्यूब पर काम करने से पैसा मिलता है तो हम कहने लगे कि आज आपको पता चला है कि यूट्यूब पर काम करने से पैसा मिलता है? हमें पहले से पता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पैसा मिलता है। तो कहने लगी कुछ काम है नहीं घर पे और ना तो जानवर रखे हो ना तो कुछ ना कुछ, और इसके बाद हम सब लोग घर पे रहते हैं और ना तो निकलने देते हो बाहर, अगर यूट्यूब चैनल बना लोगे तो हम सब लोग उस पर गाना गाएंगे, कॉमेडी बना। हम कहने लगी कॉमेडी कौन सी बनाओगी? ये कहने लगी इतना अच्छा कॉमेडी करते हो, अगर कॉमेडी करके यूट्यूब पर डालोगे तो अच्छा पैसा आएगा। हम कहे कैसे पैसा आता है? कहने लगी कि पैसा आता सब लोग कमाते हैं। हम कहे चलो ठीक है बना लेते हैं। बनाने की वजह से समझ लीजिए कि वायरल होने की वजह से आप सब लोग घर पे आए हैं। चलिए वो सब छोड़ते हैं, पहले दोनों भाभियों का नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है भाभी? हेलो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, भैया के चैनल में स्वागत है। तो मेरा नाम है गुड़िया जी। आपका नाम क्या है भाभी जी? हेलो दोस्तों नमस्ते, भैया के चैनल में स्वागत है, मेरा नाम है सुमन। पिछले वाले मुद्दे पे आ जाते हैं, पुराने मुद्दे पे। अजीत भैया से जानना चाहेंगे आखिरकार इनको दो शादी क्यों करनी पड़ी और कैसे करनी पड़ी, तो भैया इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार आपकी एक शादी हो गई थी उसके बाद आपको दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी? हाँ, ये बात सही पूछे भाई साहब कि हमें दूसरी शादी क्यों करनी पड़ी। तो बात ऐसी है कि अगर हमारी शादी हो चुकी थी, हमारी शादी होने के बाद इनको हमसे प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने की वजह से हमें इनसे शादी करना पड़ा। क्योंकि ये कहने लगी कि अगर आप शादी, हम इनसे बताया थी कि हमारी शादी हो चुका है, ये कहने लगी कोई दिक्कत नहीं शादी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी करेंगे तो आप इससे करेंगे। प्यार कैसे हुआ?
प्यार ऐसा हुआ कि रुमाल हमारी दुकान पे बनवाने आई थी और रुमाल बनवाने के चक्कर में हम एक काला टून सेट किए थे अपने मोबाइल पे, ये हमारे पे फ़ोन की, वही काला टून बजा तो गाना सुनते सुनते ये गाना सुनने लगी हमारे मोबाइल पे, गाना सुनने लगी। हम कई बार इनको डांटे कि क्यों इतना फ़ोन कर रही हो, कहने लगे भाई साहब गाना तो सुनने दीजिए। और जब गाना रोज़ रोज़ 20-25 बार एक दिन में सुनती थी तो हमें गुस्सा आता था तो हम इनको एक बार इनको डांटे कि आपको मतलब कि इतना भी सेंस नहीं है कि किसी को परेशान किया जाता है इतना फ़ोन करके। तो ये कहने लगी भाई साहब जो हमें डांटते हो तो प्यार है। कालर टून कौन सा था जिससे प्यार हो गया? जी नहीं से यही सुनती थी। कालर टून कौन सा था भाभी जी? लगावे लू जब लिपस्टिक हिले ला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू। तो भैया जिला टॉप लागे लू जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग सॉन्ग हुआ करता था पवन सिंह का था, जो कि विदेशों में भी बजा है, उस कॉलर टून से गुड़िया भाभी जी को प्यार हो जाता है अजीत पेंटर जी से। फिर कहीं ना कहीं एक घर परिवार में दो बीवियाँ कैसे मैनेज करते हैं अजीत भैया, और दोनों लोग कैसे रहते हैं, क्या रिएक्शन रहता है? भाई साहब ये समझ लीजिए जैसे जैसे एक लोग रहती हैं वैसे दोनों लोग रहती हैं, बस यही फर्क है कि सब सोचते हैं कि दो लोग कैसे रहती होंगी घर पे। समझ लीजिए कि इतना हिसाब से रहती हैं भाई साहब कि इतना तो सग बहन में अगर होती दोनों बहन तो नहीं बैठता, क्योंकि सोचती कि हमारे पति पे कब्जा किए हैं, अगर हम अकेले रहते तो बहुत आज़ाद से रहते ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग इतने मस्त रहती हैं दोनों में। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप साड़ी लाए इनका कलर दूसरा हो उनका कलर दूसरा हो इसको लेकर कि नहीं हमको ये वाला कलर चाहिए, कलर का साड़ी पहन के बैठे हैं दोनों लोग। आज तो सेम दिख रहे हैं, इसके पहले मैं देखा था कई वीडियो में सेम नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। जैसे ये है कि ना अब सोशल मीडिया पे आ गए, सब लोग कहने लगे कि अगर सेम पहनेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो इसीलिए हम सब सेम अब हाँ जैसे उनकी बात छोड़ दीजिए, किसी का नाम नहीं लिया जाता है और सही बात है। जैसे जब दोनों लोग हमारे साथ ही हैं तो सेम पहने, ये कहने लगी। तो भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं, जैसे साड़ी लाने की और ले जाने की कोई बात नहीं है, जो भी काम हो तो जो भी ख़रीदना होता है ये सब लोग साथ में जाती हैं, अपने अपने पसंद की खरीदते हैं, लेकिन अब जो लेंगी तो एक ही कलर की लेंगी। नहीं नहीं उससे अच्छा रहेगा। तो गुड़िया भाभी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब अजीत भैया की शादी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी तो फिर आप अपने जैसे कि शादी वगैरह एक कोई छोटा काम नहीं है, लोग इसके बारे में बताते हैं कि अगर लव मेरी शादी ही करनी है, किसी ना किसी से परिवार के सदस्य से बताते हैं कि भैया या भाभी हमको एक लड़के से प्यार हो गया है, हमको उससे शादी करनी है। इस तो आपने भी किसी परिवार में किसी को बताया होगा कि हमको एक लड़के से प्यार हो गया है उससे शादी करनी है, और उसकी शादी हो गई तो घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? हाँ मम्मी से बताए थे जी। फिर मम्मी क्या बोली? मम्मी कह रही थी नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, और ले जाएंगे मारेंगे पीटेंगे, खुश नहीं रख पाएंगे, और हम कहीं और शादी देख के करेंगे अपने पसंद से। तो हम कहें नहीं हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन्हीं से करेंगे जी। तो फिर भी मम्मी मान नहीं रही थी, बहुत रिक्वेस्ट के बाद फिर मानी तो शादी मंदिर से करा के फिर तब भेजी। अच्छा अब तीनों लोग खुश रहते हो? सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे गर्दा मचाए हुए हैं क्या? हाँ सही है, पब्लिक का प्यार दिला रहा है, गर्दा तो मचाए हैं इसमें, पब्लिक हमको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है इस समय, चैनल वनल अच्छे से चल रहा है तो गर्दा मचेगा ज़रूर। तो भैया इनका अजीत पेंटर करके चैनल है, तीनों लोग बहुत ही अच्छा अवधि कॉमेडी बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो भी आता है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब होता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।